और यहाँ से जो इंटरचेंज का जो आधा हिस्सा है वो उस जगह पर निकलेगा। वो देखें, ये वाले रोड की साइड से मलिर एक्सप्रेसवे का एक रास्ता, काफ़ी बड़ा ऑपरेशन किया गया था जिसमें तमाम की तमाम आबादी को डिमोनिश कर दिया गया था। अभी देखिए, ट्रेन ने जो है ब्रेक लगाया है, आगे बच्चे जो है ट्रैक के ऊपर मौजूद है। जंगली पेड़ पौधे ही हुआ करते थे, सड़क का नामो निशान दूर दूर तक के नहीं था, लेकिन अब आप देख सकते हैं। और ये मैं पुल के साथ ही मौजूद हूँ, पुल के नीचे से मैंने लेफ्ट साइड पर टर्न लिया। जी, इस वक्त मैं जाम सादिक पुल के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये सामने ही कोरंगी क्रॉसिंग नदी पर पुल बनाया जा रहा है, जो सिंध गवर्नमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट है। और उसी के साथ ही अगर मैं आपको दिखाऊं, वो सामने से एक कच्चा रोड निकाला गया है ये पूरा यहाँ तक, क्योंकि इन फ्यूचर मलिर एक्सप्रेसवे के साथ तमाम इन ब्रिजेस को मिलाया जाएगा। यहाँ पर एक इंटरचेंज बनेगा इस जगह पर, और यहाँ से जो इंटरचेंज का जो आधा हिस्सा है वो उस जगह पर निकलेगा। वो देखें, वो सामने ही मलिर एक्सप्रेसवे का तमाम लेयर पर काम हो रहा है और उस साइड पर इंटरचेंज बनाने के लिए गाइडर पर काम किया जा रहा है। ये जाम सादिक का पुल है जिसके ऊपर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अक्सर मैं यहाँ से गुज़रता हूँ तो सोचा क्यों ना आप लोगों को यहाँ के कुछ मनाजिर दिखाता हुआ चलूँ। ये आप राइट साइड पर चेक करें, यहाँ से ये इंटरचेंज की साइड से DHA जाने के लिए एक रास्ता यहाँ से बनाया जाएगा। इस जगह पर जो सामने मलबा वगैरह रखा हुआ है यहाँ से, और ये सामने ही एक और इंटरचेंज है जिसका नाम KPT इंटरचेंज फ्लाईओवर के नाम से जाना जाता है। ये वाले रोड की साइड से मलिर एक्सप्रेसवे का एक रास्ता कोरंगी कईमाबाद के लिए दिया जाएगा। यहाँ से मैं कईमाबाद के साइड से KPT पुल के ऊपर से गुज़र रहा हूँ। सामने ही इम्तियाज़ मार्केट है और यहाँ पर भी तीन चार जगह से रास्ता जो है पुल के ज़रिए निकलता है, जबकि ये आप लेफ्ट राइट साइड पर देखें तो ये सामने शहीदे मिल्लत एक्सप्रेसवे है। यहाँ पर अगर मैं आपको नीचे दिखाऊँ तो काफ़ी डेवलपमेंट का काम जो है वो नीचे की साइड पर भी किया गया, वो सामने घासें वासें उगाई गई हैं। KMC का काम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें सामने ही घासें वासें उगी हुई हैं, एडवर्टाइजमेंट ज़ोरों शोरों से की जा रही है। सामने एक बैठने के लिए सिटिंग एरिया बनाया गया है वो सामने ही, और यहाँ पर आप राइट साइड पर देखें तो वो काफ़ी बड़ा महमूदाबाद का नाला है जिसको हाल ही में ही तैयार किया गया है। इस वक्त मैं कालापुल जाने वाले रोड पर मौजूद हूँ और सिग्नल जो है ग्रीन हो गया है, और मैं लेफ़्ट साइड की साइड पर टर्न लूँगा और यहाँ पर आपको रेलवे की कॉलोनी को दिखाते हुए यहाँ से आगे गुजरूँगा। काफ़ी बड़ी आबादी है यहाँ पर, और पिछले दिनों काफ़ी तजवुजात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो है यहाँ पर पहले भी हुआ है और अक्सर होता रहता है इस इलाके की साइड पर। और रेलवे की बिल्कुल ट्रैक के साथ अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी आज से तकरीबन 1.5 साल पहले काफ़ी बड़ा ऑपरेशन किया गया था जिसमें तमाम की तमाम आबादी को डिमोनिश कर दिया गया था लाइन से। लेकिन यहां पर भी वक्तन वक्तन एंटी एनक्रोचमेंट टीम जो है वो एक्टिव हो जाती है अक्सर इन मार्केटों के साइड भी, और ये यहाँ वाली सड़क से गुज़रने में काफ़ी परेशानी जो है वो फेस करना पड़ता है। ये चेक करें, ये मैं रेलवे की दूसरी साइड पर पहुँच गया हूँ, रेलवे कॉलोनी की, और ये कालापुल का पूरा इलाका लगता है उस साइड वाला, दूसरी साइड वाला, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये पुल के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये चीज़ चेक करें यहाँ की, ना यहाँ से ट्रेनें जो है हर थोड़ी देर के बाद गुज़रती है। ये देखें, एक ट्रेन जो है वो सामने से गुज़र रही है, और ये देखें अक्सर यहाँ पर
ट्रैक के तरफ भी काम किया जा रहा होता है और ये पूरी इलाका जो है आप देख सकते हैं। जित आबादी की मैं बात कर रहा था वो यही वाली है और यही पूरा पट्टी पट्टा जो है वो डिमोनिश हो चुका था, ये पूरा पट्टा यहाँ तक था। बहरहाल अक्सर ट्रेनों को यहाँ पर ब्रेक मारना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर तमाम बच्चे जो है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर ही खेल रहे होते हैं। अभी देखिए ट्रेन ने जो है ब्रेक लगाया है, आगे बच्चे जो है ट्रैक के ऊपर मौजूद है। ये देखिए वापस रिवर्स की साइड पर जा रही है। बहरहाल यहाँ पर इस तरीके के मामलात होते रहते हैं। हम यहाँ से मज़ीद आगे चलते हैं। किसी टाइम पर ये काला पुल वाली जो सड़क है जीना अस्पताल की तरफ जाती है ये सड़क, और कुछ टाइम पहले आज से तकरीबन 5 साल पीछे जाए तो यहाँ पर जंगली पेड़ पौधे ही हुआ करते थे, सड़क का नामो निशान दूर दूर तक के नहीं था। लेकिन अब आप देख सकते हैं सड़क वड़क बना दी गई है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर भी आप देखें ये भी सड़कें बन गई हैं, और ये वाली सड़क देखें कलर वगैरह भी कर दिया है फुटपाथ्स के तरफ, बस स्ट्रीट लाइट्स के साथ ही ये पूरे कंप्लीट सड़क जो है आप देख सकते हैं पूरा बहाल कर दिया गया है। हाल ही में ही सड़क बनाई गई है, ये देखिए आप कलर वगैरह किया गया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये वाली सड़क जो है जीना अस्पताल के साथ ही है, इस वाले रोड पर कंप्लीट ये पूरा अस्पताल ही आपको नज़र आएगा। अच्छा लग रहा है, काफ़ी सड़क जो है काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है, कलर होने के बाद खूबसूरती जो है वो सामने नज़र आ रही है। इदारे जो है वो काम कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन भी करीब है। यहाँ पर सामने वन वे वाला पुल, एक जो दोनों लाइन उस एक पुल बना हुआ है छोटा सा, जहाँ पर आने वाली सड़क और जाने वाली सड़क एक ही है। और हम इस पुल से तो नहीं जाएंगे, लेकिन मैं इस पुल के नीचे से राइट साइड पर टर्न लेफ्ट साइड पर टर्न लूँगा और सड़क के कुछ मनाजिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये चेक करें आप, काफ़ी छोटा सा पुल है। और ये मैं पुल के साथ ही मौजूद हूँ, पुल के नीचे से मैंने लेफ्ट साइड पर टर्न लिया।